Good morning, friends. Yesterday we have completed our fourth chapter, quadratic equation. Now we will start chapter number 5, arithmetic progression. This chapter is very important in 10th standard, 11th and 12th standard. अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाओगे तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चलिए, व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस? इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं। एपी बोल सकते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। नाउ किस तरीके से इसको समझेंगे? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आप सीनियर केजी जूनियर केजी में पढ़ चुके हो। अभी आप सोचो कि सर वो कहाँ जाए, सीनियर जूनियर में कहाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है? वहाँ पे तो हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ही हम तो करते थे, लेकिन सीनियर और जूनियर केजी में भी आप लोग सीखते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ, ओके, नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर फ्रेंड्स, किस तरीके से एपी को हम इजीली समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग लोअर स्टैंडर्ड के अंदर, मतलब सीनियर जूनियर के जी के अंदर आप जीरो बनाना सीखे थे। आपको जीरो कैसे बनाना है वो आपको सिखाया था। उसके बाद जीरो में अगर आप वन ऐड करते हो तो आपको एडिशन सिखाया था, वन होता है। वन उसके अंदर वन ऐड करते हैं तब टू होता है, टू के अंदर और वन ऐड करते हैं तो थ्री होता है, थ्री के अंदर और वन ऐड करते हैं तो फोर होता है, फोर के अंदर और वन ऐड करते हैं तो फाइव। यहाँ पर देखिए हम सभी में वन ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सभी में वन ऐड कर रहे हैं और वन टू थ्री फोर फाइव हमको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो सभी में आप वन ऐड करते हो ना उसको आप क्या बोलते हो बताएं? कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट डी बोलते हो। क्या बोलते हो? डी बोलते हो। अब चेक करो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंट आप चेक करो, बराबर क्या आता है? 2-1 कितना आता है? 1 आता है। 3-2 करो कितना आता है? 1 आता है। 4-3 करो कितना आता है? 1 आता है। 5-4 करो 1 आता है। सो इसे हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डी, कॉमन डिफरेंट, इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट, बराबर। नाउ व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? व्हाट इज सीरीज? सीरीज क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज एपी क्या है? एपी किसे बोलते हैं, बरूबर? तो आपको फाइव, सपोज वन से लेके आपको 20 तक के टेबल तो आपको आते ही है। जैसे मैं यहाँ पे 5 का टेबल यूज करता हूँ, लाइक दैट। देखिए यहाँ पे 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25। ये मैंने यहाँ पे 5 का टेबल लिया है। यहाँ पे इसके अंदर आप देखिए ये जो सेकेंड टर्म है माइनस में फर्स्ट टर्म पर मुझे कितना डिफरेंट मिलता है? 5 डिफरेंट मिलता है। 15 माइनस में 10 करूँ तो कितना डिफरेंट मिलता है? 5 मिलता है। 20 माइनस 15 डिफरेंट करूँ तो कितना मिलता है? 5 मिलता है। 25 माइनस में 20 करूँ कितना मिलता है? 5। मतलब यहाँ पे दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है वो दो कंसेक्यूटिव नंबर के डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मुझे कॉमन डिफरेंट मिलते हैं, मतलब डिफरेंट जो है वो इक्वल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इक्वल मिलते हैं, बरोबर। तो ये जो अगर इक्वल होता है कोई भी सीरीज के अंदर, ये कॉमन डिफरेंट जो है टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिर फिफ्थ माइनस फोर्थ, इसके अंदर ये जो डिफरेंट है वो डिफरेंट अगर इक्वल आता है तो दिस सीरीज इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो दिस सीरीज इज कॉल्ड इन एपी, इन एपी। मतलब समझ में आया व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो अगर दो जो नंबर है उसमें दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इसमें सभी में अगर ये जो डिफरेंट है वो डिफरेंट अगर कॉमन रहता है, बरोबर, सो वो जो सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो एपी बोल सकते हैं उसे। ये जो सीरीज है वो एपी के अंदर, ये जो सीरीज है वो एपी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ एपी के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला से पहले मैं आपको एक कॉमन
जनरल फॉर्मूला है इसका, एपी का जनरल फॉर्मूला है ये, ऑफ एपी जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो ये जो ए है जिसे आप क्या बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं टी बोलते हैं। मतलब ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म। अभी इसके अंदर मैंने डिफरेंट ऐड किया था ना, तो ए प्लस डी, फिर और एक डिफरेंट ऐड किया, इसके अंदर डिफरेंट ऐड किया, तो ए प्लस डी तो था ऑलरेडी, और मैंने डिफरेंट ऐड किया तो डी प्लस डी कितना हो गया, टू डी हो गया। यहाँ पर टू डी है और मैंने एक डी ऐड किया था, क्या हो गया थ्री डी हो गया, और मैंने एक डी ऐड किया तो क्या हो गया ए प्लस। तो ऐसे आप लास्ट में करते जाओगे तो आपको जो लास्ट टर्म है वो ए एन मिलेगा, ए एन है लास्ट टर्म, क्या मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेर वेर व्हाट इज ए एन, ए एन जो है वो क्या है लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म ऑफ ए पी, व्हाट इज ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट एंड व्हाट इज एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा नंबर का टर्म्स आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट नंबर का है देन इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड नंबर का है देन इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड नंबर का देन इज इक्वल टू थर्ड। ये जो एन है वो आपको क्या है, तो कि एपी का लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का ये क्या है फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला है। इसके बाद और आगे हम सीखते हैं एक नया फॉर्मूला है, दूसरा क्या है, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं sn बोलते हैं, क्या बोलते हैं sn बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, n by 2 a plus l, n by 2 ए प्लस एल है, बराबर। यहाँ पे एस एन क्या है, तो सम ऑफ एच टर्म ऑफ ए पी, सम ऑफ एच टर्म ऑफ ए पी है। नाउ एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म है, एल क्या है इसको तो हम एन भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है। अरे ये आपका है फॉर्मूला है, ये जब लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म आपको दिया है तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो याद रखना एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस n minus 1 into d, n by 2 2a plus n minus 1 into d हमारा फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने बाइफर्केशन कर लिया है, d मतलब क्या है हमारा कॉमन डिफरेंट है, क्या है कॉमन डिफरेंट है, सो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इससे आगे और देखते हैं हम, तो क्या होगा सम ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स लाइक दैट, मैं आपको बताऊं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू एन तक, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू एन तक, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो याद रखना एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय। चलिए ना और एक आगे फॉर्मूला है, सम ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट,
n, sum of first n odd natural number, तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn is equal to, फॉर्मूला है Sn is equal to n square, और दूसरा एक है sum of first n even natural number numbers, उसके लिए फॉर्मूला है Sn is equal to n into n plus 1, n into n plus 1.